भाजपा ने प्रदेश की वर्तमान कांग्रेस सरकार पर बजट के अभाव में प्रदेश में चल रही केंद्र सरकार की परियोजनाओं में रोड़ा अटकने का आरोप लगाया है। श्री नैना देवी से भाजपा विधायक रणधीर शर्मा ने कहा कि वर्तमान कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में केंद्र की आयुष्मान भारत जैसी जनकल्याणकारी योजना और भानुपल्ली रेलवे लाइन जैसी परियोजना में रोड़ा अटका हुआ है। उन्होंने कहा प्रदेश सरकार के पास बजट का प्रावधान नहीं है, लेकिन प्रदेश की कांग्रेस सरकार महिलाओं को 1500 रुपए देने के लिए चुनाव के समय में फॉर्म भरवाने का काम कर रही है। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी की हिमाचल की सरकार ने 800 करोड़ के लगभग अपने हिस्से की देनदारी अदा की थी, परंतु इस कांग्रेस सरकार के समय एक भी पैसा नहीं देने के कारण अब ये देनदारी 1243 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है, जिसके कारण केंद्र सरकार विचार कर रहा है कि इस पर निर्माण कार्य आगे शुरू रखा जाए या नहीं रखा जाए। हमारा ये भी आरोप है कि केंद्र सरकार ने जो जन कल्याणकारी योजनाएं शुरू की है, विशेषकर गरीब लोगों का 5 लाख तक का इलाज मुफ्त में हो, ऐसी जो आयुष्मान योजना शुरू की है जिसके हिमाचल प्रदेश में 4,33,000 जो है वो लाभार्थी हैं, उस योजना का भी जो 10% हिस्सा प्रदेश ने देना है वो नहीं दिया है, जिसके कारण आयुष्मान योजना के अंतर्गत भी हिमाचल प्रदेश की देनदारी 50 करोड़ के लगभग पहुंच गई है। यही नहीं, हिमाचल प्रदेश की इस कांग्रेस सरकार ने पिछली जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, जो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने आयुष्मान योजना को सप्लीमेंट करने के लिए जो हिमकेयर योजना चलाई थी, जिसके 8.5 लाख के लगभग प्रदेश में रजिस्टर्ड लोग हैं जो समय समय पर इसका लाभ उठाते हैं, वो योजना प्रदेश सरकार ही चला रही है और उसके अंतर्गत हिमाचल प्रदेश के व साथ लगते सीमावर्ती चंडीगढ़ पंजाब के कुल मिलाकर 292 स्वास्थ्य संस्थान पंजीकृत है एम्पैनल्ड।